सो फाइनली दोस्तों कल के 2898 एडी का भाई भैरव एंथम का सॉन्ग फिर से दोस्तों फिल्म मेकर ने बेवकूफ बना दिया। फिल्म मेकर पता नहीं यार क्या चाहते हैं, प्रोड्यूसर लोग यार कितने ज़्यादा एक्साइटेड था यार मैं 8 बजे का वीडियो आएगा, लेकिन भाई डार्लिंग प्लीज़ रहम करो, अब तो मेरी आवाज़ भी अटक गई है भाई साहब, कब आएगा सॉन्ग भाई कब आएगा सॉन्ग। लेकिन फाइनली दोस्तों सॉन्ग आ तो गया है, लेकिन ऐसा सॉन्ग आया जो सिर्फ आप सुन ही सकते हो देख नहीं सकते। वेल दोस्तों आपको बता दूँ कि ऑडियो रिलीज हो चुका है एंड आपको बता दूँ कि वीडियो सॉन्ग कल रिलीज होगा और कितने बजे रिलीज होगा वो बताऊंगा। तो देर किस बात की, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों आपको बता दूँ कि भैरव का एंथम सॉन्ग जो कि फिल्म मेकर पता नहीं क्या इनकी मार्केटिंग स्टंट है, क्या पता ये एक तरीके का स्टंट तो प्ले नहीं कर रहे हैं या हमारे क्या बोलते हैं यार हमारी एक्साइटमेंट के साथ खेल तो नहीं रहे, खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है शायद खिलवाड़ी कर रहे हैं यार। अब पेशेंस लेवल की हद होती है जो इन्होंने दोस्तों बता दूँ कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया हमारे पेशेंस को भाई। आज का उम्मीद था सुबह मॉर्निंग में आने का, उम्मीद था 4 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक कभी उम्मीद कर लेता, क्योंकि वैजयंती मूवी ने 8 बजे का दोस्तों पोस्टर साझा किया था, लेकिन ये क्या फिर से बहुत बड़ा चूतिया काट दिया कुल मिला के हमारा। और हम ये सोच रहे थे कि साला आज सॉन्ग आएगा, सॉन्ग आ तो गया लेकिन भाई साहब सिर्फ सुन ही सकते देख नहीं सकते, बोले तो ऑडियो आ गया। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये सॉन्ग जो है वीडियो सॉन्ग कल आएगा 11 बजे, और कल भी बेवकूफ ना बनाते यार, मतलब अगर कल 11 बजे से 12 बजे हुआ ना भाई सच्ची में मूड खराब हो जाएगा, सो डिसअपॉइंटेड। वो तो बस ये कि दिल से अन्ना डार्लिंग के लिए थोड़ा सा प्यार ज़्यादा है हमारा, इस वजह से हम चुप बैठे हैं, वरना और कोई होता तो सच बता रहा हूँ मैं भाई लंका लगा देते। अब तक तो इतना बर्दाश्त नहीं, इतना पेशेंस धैर्य इतना बर्दाश्त नहीं भाई। डार्लिंग प्लीज हमारी भी सुन लो पुकार, अन्ना अन्ना सुन लो पुकार, जल्दी से वीडियो सॉन्ग आ जाए भाई साहब। फुल टू फुल बज बन चुका है कल की 2898 एडी, एक ऐसी फिल्म जो ब्रह्मास्त्र मतलब कुल मिला के 200 करोड़ 250 करोड़ की ओपनिंग कंफर्म, एंड ये सॉन्ग दोस्तों 1000 मिलियन व्यूज, मतलब 1 बिलियन व्यूज जाएगा। तो यार दोस्तों सॉन्ग ये जो ऑडियो सॉन्ग है ये आपके म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुका है, बोले तो अमेजॉन म्यूजिक, विंक म्यूजिक, गाना.com, हंगामा.com दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों स्पॉटिफाई, तमाम जितने भी म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों वहाँ पर ये जो है एप्पल म्यूजिक वहाँ पर सब जगह रिलीज़ हो चुका है। तो आप इसके और आप इसके गाने को सुन सकते हो ऑडियो फॉर्म में, लेकिन आप इसके वीडियो को नहीं देख पाओगे। ये 3 भाषाओं में रिलीज हुआ है, हिंदी तमिल तेलुगु के अंदर। दोस्तों आपको बता दूँ कि हिंदी के अंदर ऑफकोर्स दिलजीत दोसांझ का तो रैप तीनों में है, बट अलग अलग लैंग्वेज में। दिलजीत दोसांझ का हिंदी और पंजाबी का जो तड़का है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों हिंदी का जो प्ले है ऑलमोस्ट संतोष नारायण का जो म्यूजिक कंपोजिशन से कमाल का है। हर एक बीट में रिदम है, हर एक रिदम में दोस्तों एक एक्साइटमेंट है। और ये गाना ना भाई, ये गाना आप जब भी मतलब आपकी थकावट को दूर कर देगा, ये सॉन्ग इतना ज़्यादा पावरफुल सॉन्ग लगा। म्यूजिक बोर नहीं करता है, म्यूजिक एक्साइटमेंट भरता है, म्यूजिक एनर्जेटिक म्यूजिक है। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, ये गाना अगर डीजे पर चलेगा तो डीजे वाला बाबू भी बोलेगा भाई गाना चला दे, गाना बजा दे। मतलब कुल मिला के भाई पावरफुल सॉन्ग है, अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है भाई। बट अफसोस था कि आज वीडियो आ जाना चाहिए था, बट वीडियो नहीं आया। ओवरऑल दोस्तों ऑल म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो ऑडियो आ चुकी है, एंड आई होप जाओ और सुनो भाई। मेरे हिसाब से 5 में से 4.5 नंबर दूंगा, आधे नंबर इसीलिए क्योंकि आज वीडियो आया नहीं इसलिए। बाकी ओवरऑल दोस्तों बात करूँ दिलजीत दोसांझ की, तो हम सब उनकी कैटेगरी जानते हैं, पंजाबी तड़के के अंदर जो उनका रैप है जो उनके सॉन्ग है, दिलजीत दोसांझ की कोई कमी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि एक बिहाइंड द सीन मैंने देखा जिसमें अन्ना प्रभास जो है दिलजीत दोसांझ से मिलते हैं, राम सलाम करते हैं, और दोनों का वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एंड ऑफकोर्स जो प्रभास है दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो सॉन्ग के अंदर जो प्रभास का गेटअप है वो सरदार में पग पगड़ी पहने हुए सारा फॉर्मेट दिखाया जाएगा। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ के साथ अलग अलग ड्रेसअप, लगभग 3 से 4 ड्रेसअप में उनका वीडियो सॉन्ग है, 3 से 4 लोकेशंस में दोस्तों उनके गाने जो है उस फिल्माए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक तरफ फायर है, एक तरफ क्लब है, मतलब कुल मिला के भाई साहब बहुत ही ज्यादा इसे रंगीन सॉन्ग कहा जा सकता है। आपको बता दूं दिलजीत दोसांझ का एक एक बीट मुझे बहुत पसंद आया, खासतौर से पंजाबी सॉन्ग के लिए तो मैं फैन हूं, पागल हूं दिलजीत दोसांझ का। और आपको बता दूं कि हिंदी के अंदर भी जो रैप गाया है ना वो भी अमेजिंग लग रहा है। तमिल तेलुगु के वर्जन, सबसे बड़ी बात पता क्या, वैसे तमिल तेलुगु मुझे समझ में नहीं आती, बट यस तमिल तेलुगु के जो वर्जन जो सॉन्ग का जो गाया है ना भाई, सच बता रहा हूँ भाई, उसको सुनने के बाद भी मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि यार मुझे समझ नहीं आ रही लैंग्वेज बैरियर खत्म कर दिया है, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो लैंग्वेज के बैरियर को खत्म कर दी है भाई। सच्ची बता रहा हूँ तमिल तेलुगु में भी बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में, और इतना प्यारा म्यूजिक, लिटरली भाई बोर नहीं करता म्यूजिक, बिल्कुल ही बोर नहीं करता म्यूजिक, एनर्जेटिक म्यूजिक है, मोटिवेशनल म्यूजिक है, कुल मिला के दोस्तों जिसे कहते हैं बैंड बजाने वाला म्यूजिक है, आपको अंदर से ना एनर्जेटिक फॉर्म में ला देगा। तो मैं सैल्यूट करता हूँ दिलजीत दोसांझ को ऐसे सॉन्ग के लिए, फिल्म मेकर को ऐसे सॉन्ग के लिए, एंड प्रभास
एंथम सॉन्ग भैरवा का जब ये, मेरे ख्याल से दोस्तों हो सकता है जब मूवी रिलीज होगी तो इसका टाइटल सॉन्ग जो है ये भैरवा एंथम ये लास्ट में रिलीज होगा, जैसे मैंने बताया आपको। एंड एक और चीज़ मैंने 8 बजे की वीडियो में बता दिया था कि आज भी चांसेस कम थे दोस्तों इसके वीडियो सॉन्ग आने के, लेकिन बस मुझे मेरा दिल कह रहा था तभी मैंने थंबनेल पे लिखा कि पोस्टपोन हो गया है, और हो ही गया साला पोस्टपोन, आज जो बोला वो सच्ची हो गया। सो दोस्तों कैसा लगा सॉन्ग कमेंट करके बताओ, पूरा सॉन्ग सुनो हिंदी तमिल तेलुगु में, एंड लिख के दे रहा भाई 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे, सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, 100 मिलियन व्यूज कन्फर्म है एक दिन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, बाय दोस्तों। भैरवा एंथम सॉन्ग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।